लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने पे जब अजीब सा लगे, और जिस तरीके से वैसे इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं मुझे लगता है सबको ही हो जाएगा ये। तो अगर दूध या उसके बने हुए प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने पे आपको स्टमक पेन, फार्टिंग, अनईजी, ब्लोटिंग या ऐसी फीलिंग आती है तो आप हो सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज घर पे पनीर नहीं है और तुम्हें पनीर ही खाना और तुम जिद कर रहे हो, तो या तो तुम्हें मम्मी की एक चप्पल आएगी या फिर तुम्हारी मम्मी गर्म दूध में नींबू डाल के उसको फाड़ के पनीर बना देंगे। तो वैसे ही हमारी बॉडी लैक्टोज, जो एक शुगर है जो यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध मलाई ये सब में मिलता है, तो हमारी बॉडी ये लैक्टोज को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करती है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम बनता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेज, जो इस लैक्टोज को तोड़ेगा और इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टेज में, और फिर हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों में क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, इसलिए उनका लैक्टोज शुगर टूटता नहीं है, उनके पेट में रह जाता है और वहाँ पे छोटे मोटे बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं और वहाँ बनती है फिर अलग अलग तरीके की गैसेस जो तुम्हें अनईजी फील कराती है और कभी कभी तुम्हारे साथ जो बैठे हैं उनको भी। लैक्टोज इंटॉलरेंस दूध की एलर्जी से अलग है, क्योंकि दूध की एलर्जी या कोई भी एलर्जी इम्यून सिस्टम की वजह से होती है और कभी कभी छोटा सा पार्टिकल भी हमें ट्रिगर कर सकता है। लेकिन यूजुअली लैक्टोज इंटॉलरेंस में लोग थोड़ा सा दूध तो पी सकते हैं, और बाकी डिफर करता है कि किस वजह से उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हुआ है। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंट या स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत या फिर कुछ उल जुलूल खा लेना। लेकिन आज हम इसका देखेंगे वर्ल्ड में सबसे कॉमन रीज़न, जिसको हम प्राइमरी लैक्टेज डिफिशियंसी भी बोलते हैं। ये प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस जेनेटिक होता है और ये फैमिली टू फैमिली पास भी हो सकता है, और जब ब्रेस्ट फीडिंग ओवर होती है तभी ये आ जाता है। लेकिन इसके सिम्टम्स शुरू होते हैं 20 से 40 साल के बीच में। जो हमारा DNA होता है वो ऐसा दिखता है, एक बड़ी बड़ी सीढ़ी जैसा जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, और इनमें होती हैं जीन्स जो हमें अपनी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, जैसे बाल का टेक्सचर क्या होगा, हमारा आई कलर क्या होगा, हमारा ईयर शेप क्या होगा। ये छोटी से छोटी डिटेल्स हमारे DNA में होती हैं। तो ऐसी ही एक जीन होती है जिसको हम बोलेंगे LCT जीन, जो लैक्टेज एंजाइम बनाती है, मतलब नींबू, जो एक्ट करेगा लैक्टोज या फिर मिल्क पे। और अगर इस LCT जीन के 13,910 स्टेप्स ऊपर एक टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो तुम हो जाओगे लैक्टोज इंटॉलरेंट। जो लोग दूध अच्छे से पचा पाते हैं, मतलब लैक्टोज टॉलरेंट होते हैं, उनमें ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती है, उनमें लिखा जाता है T। लेकिन जिन लोगों में ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाए और गलती से C लिख दिया जाए उनके DNA के इस पार्ट में, तो वो हो जाएंगे लैक्टोज इंटॉलरेंट। और इस छोटी सी गलती से आप दूध या उसके बने हुए प्रोडक्ट्स या चाय में दूध ये सब नहीं ले पाते। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो और कुछ नया पता चला हो तो इसको प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर तुम्हारे पास और टॉपिक्स है सजेस्ट करने के लिए। और तुम लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो nerdreath83 पे, एंड थैंक यू सो मच।